इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर छिंदवाड़ा शहर राम भक्ति में डूबा नजर आया। रामनवमी के अवसर पर हिंदू उत्सव समिति के द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। दादाजी धुनी वाले दरबार से यह शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए दशहरा मैदान पहुंची। इस शोभा यात्रा का जगह जगह श्रद्धालुओं और विभिन्न समितियों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। चल समारोह दादाजी धुनी वाले दरबार से निकलकर रेलवे स्टेशन, गांधीगंज, लाइब्रेरी, शनिचरा बाजार, श्यामा टॉकीज, रामबाग, लालबाग, सागर पेशा, बेल बाजार होते हुए बड़ी माता मंदिर, इतवारी बाजार, फव्वारा चौक, बस स्टैंड से गुलाबरा होते हुए दशहरा मैदान पहुंचा, जहां पर महाआरती के साथ शोभा यात्रा का समापन हुआ। इस शोभा यात्रा में हिंदू उत्सव समिति के सभी पदाधिकारी, सदस्य और छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ तथा भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू सहित सभी राजनीतिक और हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता शामिल हुए। छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ रामनवमी के अवसर पर आज हरई विकासखंड के बटका खापा में स्थित आंचल कुंड पहुंचे, जहां पर उन्होंने दादाजी धुनी वाले के दरबार में माथा टेका और विशेष पूजा अर्चना की। उनके द्वारा आदिवासी समाज के धर्म गुरुओं से मुलाकात भी की गई। इसके बाद पुसू ढाणा पहुंचे, जहां पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने आदिवासियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हमारी भक्ति और धार्मिक भावनाएं हैं, हमारी शक्ति बढ़ाती है। आंचल कुंड दरबार आस्था का केंद्र है। बोल दादा दरबार की जय, हमेशा कमलनाथ जी उदाहरण देते हैं आंचल कुंड का। हमेशा माननीय कमलनाथ जी अपनी आस्था के साथ नाम लेते हैं आंचल कुंड दरबार का, पूछ उठाने वाले दादाजी का, और कहते हैं कि उनकी कृपा मुझ पर बनी है, कांग्रेस पर बनी है, कमलनाथ जी पर बनी है। आप सब, मैं सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय कमलनाथ जी ने 42 साल 43 साल से आपकी सेवा कर इस पवित्र स्थान पर आकर आपके साथ मिलाया। साथियों, ये धार्मिक कार्यक्रम है, मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कहता। मैं आप लोगों को सिर्फ शुभकामनाएं देने आया हूँ, और हर धार्मिक कार्यक्रम में मैं यही कहता हूँ और फिर से दोहराना चाहता हूँ कि जब मैं ये छोटे बच्चे और नौजवानों को ऐसे धार्मिक कार्यक्रम में देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। खुशी इसलिए होती है कि इससे एहसास होता है, इससे ये पक्की बात है कि हम अपनी आस्था और अपनी धर्म से अभी तक जुड़े हुए हैं, और आपकी भक्ति और आपकी। छोटे बाजार में रामनवमी की पूर्व संध्या पर विशाल महाआरती का आयोजन किया गया था, जिसमें भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू शामिल हुए। उन्होंने भगवान श्री राम की विधिवत पूजा अर्चना की। छोटा तालाब चौरसिया समाज मंगल भवन में चौरसिया समाज के द्वारा आज विशाल मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जो छोटे बाजार स्थित श्री राम मंदिर के मानस भवन पहुंची, जहां पर चौरसिया समाज के द्वारा भगवान श्री राम की विधिवत पूजा अर्चना की गई। बता दें कि आज के दिन चौरसिया समाज के द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन भी किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। अच्छा।
समाज की भव्य रैली का आयोजन हुआ, जिसमें समाज के सभी वर्ग ने भरपूर सहयोग दिया। सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी शाम के समय में हमारा आदर्श विवाह कार्यक्रम है, उसमें भी सभी सम्मिलित हो, सभी से यही अपेक्षा है। धन्यवाद। रामनवमी की पूर्व संध्या पर बुधवार देर शाम एमपी विनायक वर्मा के निर्देश में पुलिस टीम के द्वारा शहर में फ्लैग मार्च किया गया, जबकि रामनवमी के अवसर पर शहर में यातायात दुरुस्त करने और रैली में व्यवस्था बनाने में पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका रही। कलेक्टर मैडम के द्वारा जो है शांति समिति की बैठक ली गई, प्रबुद्ध जनों से जो है बैठक में सारी चर्चाएं हुई हैं, जुलूस वगैरह को लेकर के। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आंख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आंखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं, आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री अकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में, उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, फ्री डेज, फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री अकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, नियर ट्रेवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। इंदिरा प्रियदर्शनी ग्राउंड में डीसीए क्रिकेट चैंपियनशिप चल रही है, जिसमें रोजाना शानदार मुकाबले हो रहे हैं। आज डीसीए क्रिकेट चैंपियनशिप में यूट्यूब फिटनेस क्लब और यूनिक परासिया के बीच फाइनल मुकाबला हुआ, जिसमें यूट्यूब फिटनेस क्लब टीम ने यूनिक परासिया को फाइनल में 44 रनों से हराकर डीसीए का खिताब अपने नाम किया। बिलाल खान ये भी बहुत तेज गेंदबाज खिलाड़ी, इतने भी हमारे उतनी ही एम्पायर के लिए भी उन्होंने यहाँ पर अपने उसका भी तू ही ले ले, तेरा भी तू ही ले। निश्चित रूप से आशीष भाई जैसे लोगों ने यहाँ रोलर खींचे, यहाँ जिस प्रकार ग्राउंड को तैयार करने में पूरी मेहनत करी, और हमने कई बार देखा कि पूरी इतनी व्यस्तता हम जिला कांग्रेस कमेटी में आशीष भाई को लगाए रखते, लेकिन उनकी आत्मा, उनका मन, उनका दिल कहीं न कहीं निश्चित रूप से क्रिकेट के मैदान में रहता है। चैत्र नवरात्र के अवसर पर प्रतिवर्ष सेवा संकल्प समिति के द्वारा विशाल फलहारी भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी ईएलसी चौक में समिति के द्वारा विशाल फलहारी भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर महाप्रसाद ग्रहण किया। यानी सेवा संकल्प समिति 9 दिन का भंडारे का आयोजन करती है, और आज उसी अष्टमी के इसमें आज साबुदाना और छाछ का वितरण किया गया है। इसमें सभी यानी भक्तों ने मिलकर हमको बढ़ चढ़ कर सहयोग दिया है। नए शिक्षण सत्र में निजी स्कूलों में मनमानी रोकने के लिए जिला अधिकारी गोपाल सिंह बघेल की द्वारा काफी अच्छी पहल की गई है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद निजी स्कूलों पर शिकंजा कसने के लिए अब शिक्षा विभाग ने नई गाइडलाइन बनाकर निजी स्कूलों को दी है, जिसमें शासन के निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा। यदि किसी निजी स्कूल में अनियमितता की शिकायत मिलती है तो ऐसे स्कूल की मान्यता रद्द होगी। डीओ कार्यालय में बुधवार को जिला शिक्षा अधिकारी गोपाल सिंह बघेल के द्वारा शहर के सभी सीबीएसई स्कूलों की बैठक ली गई, जिसमें उन्होंने सभी निजी स्कूलों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सुंदरकांड ग्रुप के द्वारा रामनवमी के अवसर पर देर शाम विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे।